हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद बिड्डी एंड मिक्की में आपका तहे दिल से मैं फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही यमी और बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, जो है कि पनीर से मैंने अंडा करी बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अंडे की तरह ही लग रही है और इसका शेप भी अंडे की तरह है। तो आप हिचकिचाइए मत, आप इसे बना सकते हैं क्योंकि ये पनीर का है। और जो नहीं खाते हैं उसके लिए है कि आपको अच्छा लगेगा, सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। तो देरी ना करते हुए चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हाँ, लेकिन अंत तक वीडियो में आप बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये चलिए आज हम बना रहे हैं बिना अंडे का अंडा कढ़ी। उसके लिए हमने ये देखिए, ये 200 ग्राम हमारा पनीर है, 4 आलू, 1 हमारा अला रोट है, 1 चम्मच मैदा, 2 टमाटर, 3 प्याज, हरी मिर्च, अदरक। आप प्याज और टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले हम ये टमाटर का अलग पेस्ट बनेगा और प्याज का अलग पेस्ट बनाएंगे हम। तो सबसे पहले इसका काम नहीं है, सबसे पहले हम इसका करेंगे। पहले पीला वाला अंदर की स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक बाउल लेंगे। अब इसमें हम ये कद्दूकस करने वाला, ये हमारा एकदम बारीक वाला है, इसमें हम पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ये कद्दूकस हो चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हमें आधी चम्मच से भी कम डालनी है। और इसमें कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी, आप इसमें कलर मत डालिए, हल्दी डालिएगा, बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। अब इसे हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा इसका स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे तेल। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कलर थोड़ा सा और हल्दी जाएगा, तो इसमें मैं और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए इसमें हम तेल डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे गोली बना लेंगे। आपको जितना भी बनाना है तो आप उस अनुसार बना लें। इस तरह बना बना के हम रख देते हैं। तो ये देखिए 6 पीस हमने बना लिया है। अब बचे हुए पनीर को भी इसी तरह हमें कद्दूकस कर लेना है और आलू को भी कद्दूकस कर लेना है। तो ये देखिए आलू और पनीर दोनों हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये आला रोट है और ये मैदा, दोनों की क्वांटिटी 1-1 चम्मच है। अब नमक स्वाद अनुसार देंगे, ज्यादा नमक नहीं देना क्योंकि अंदर की स्टफिंग में भी हमने नमक दे रखा है। इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से बाइंडिंग कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा, जितना भी हमने गोला पीला वाला बनाया था उतना ही हमें इसका भी बनाना है, 6 पीस का। तो ये देखिए 6 पीस हमने कर लिया। अब हम इसे इस तरह करेंगे जैसे रोटी की गोलियां हम करते हैं, इस तरह बना लेंगे, थोड़ा फैलाएंगे। फैलाने के बाद हम इसमें एक डाल देंगे इस तरह और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह कवर करने के बाद हम इसे अंडे का शेप देना है। तो अंडे का शेप कैसे रहता है, पहले एक तरफ तो पतला रहता है और थोड़ा सा नीचे इस तरह चौड़ा रहता है। तो पहले हम नीचे इस तरह सेट कर लेंगे, उसके बाद इस तरह हम इसका शेप बनाएंगे। तो ये देखिए अंडे का शेप हमारा ये बन चुका है, आप देख सकते हैं। ऊपर में थोड़ा सा हमने पतला रखा और नीचे में इस तरह चौड़ा रखा है। इसी तरह हम सारा बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारा बना लिया है। ये देखिए अंडे का शेप हमने दे रखा है। अब हम लेंगे मैदा, ये मैदा है, सभी को हम इसको अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे 5-7 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे और उसके बाद ही आप इसे फ्राई कीजिएगा। इससे करने से क्या होता है कि आपका ये टूटेगा नहीं फ्राई करने पे। जब तक हमारा सेट हो रहा है उधर, तब तक हमने तेल चढ़ा दिया तलने के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है। तो हम एक एक करके पहले देख लेते हैं कि जब ये टूटने लगेगा तो आप इसे तुरंत निकाल लीजिएगा। तो पहले मैं 3 ही दे रही हूँ। तो इसे हम एक तरफ से पहले पलट लेते हैं। आप चम्मच से छोटी ही चीजों से आप इसे पलटे आसानी से थोड़ा सा, कि ताकि हमारा टूटे नहीं। तो ये देखिए हमने पलट दिया है, अब उधर भी हम अच्छे से पकने देते हैं। तो ये देखिए हमारा हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। हमारा अभी एक बार भी फटा नहीं है। बचे हुए को भी हम तल लेते हैं।
तो ये देखिए ये हमारा सरसों तेल ही था, तो मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया है, इसमें सरसों तेल में ही मैंने फ्राई किया है। अब हमें मसाला बनाना है, तो इसे गर्म तो है ही, इसमें डालेंगे जीरा। जीरा चटकने के बाद हम डालेंगे 2 तेज पत्ता और 1 सूखी हुई लाल मिर्च। अब हम डालेंगे पीसी हुई प्याज। देखिए हमने प्याज को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम अच्छे से चला देते हैं और इसे हमें ढककर पकाना है, क्योंकि प्याज हमारा बहुत ज्यादा थोड़ा उड़ता है, तो इसलिए इसे हम प्याज को अच्छा इसका कलर आने तक भूनना है। सुनहरा कलर आएगा तब जाके ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसे अब हम ढक देते हैं। अब जब तक हमारा प्याज उधर भून रहा है तब तक के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए लाल मिर्च है, आप तीखा जितना खाते हैं उसी के अनुसार दें। ये हमारा जीरा का पाउडर है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी, गरम मसाला। अब डालेंगे अदरक मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे तेल, सरसों का है, और थोड़ा सा पानी देकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्याज को हम बीच में चेक कर लेते हैं और इसे अच्छे से चला देते हैं। तो ये देखिए एक बार प्याज का कलर देख लेते हैं, और ये देखिए कलर इसका चेंज होते जा रहा है, फिर भी अभी हमें और इसे सुनहरा भूनना है। तो ये देखिए प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे टमाटर का प्यूरी। तो ये देखिए टमाटर हमने पीस लिया है और इसे हम डाल देंगे। अब इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। टमाटर डालने के बाद इसे भी हम ढककर पकाएंगे। तो चलिए टमाटर हम देख लेते हैं पक गया है। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे जो मसाला हमने बना के रेडी किया था, इसे डाल देंगे। मसाला डालने के बाद हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। हम मसाले को आराम से हम पकने देते हैं और ढक देते हैं। एक बार हम मसाला चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा भून रहा है। तो इस स्टेज पे अभी हमारा मसाला हुआ नहीं है। जब ये तेल हमारा कढ़ाई छोड़ देगा मसाले में से, तब समझिए कि हमारा मसाला हो चुका है। तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसे साथ भी हम भूनेंगे। आपके पास कसूरी मेथी है तो आप दीजिए, अभी मेरे पास घर पर नहीं है, अवेलेबल है तो मैं नहीं दी हूँ, लेकिन देने से कसूरी मेथी भी देने से अच्छा होता है, तो इसे और ही अच्छा भूनेंगे। तो ये देखिए सब्जी में हमारा अच्छे से ये भून चुका है। अब हम इसमें आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है आप दीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे थिकनेस ही रखनी है। आप अपने जैसा रखे, आपको जैसा भी ग्रेवी खाना है, बस इसे थोड़ा सा हम और इसे उबाल आने तक पकाएंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे, जैसा रखे आपको जैसा। तो ये देखिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, ग्रेवी हमारा तैयार है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे अंडे को। पहले मत डालिएगा क्योंकि ये हमारा पनीर का है, तो इसलिए हम इसे डाल देते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमारा अंडा कड़ी एकदम बनके तैयार है, और बिना अंडा का कोई कह नहीं सकता है कि आपने बिना अंडा का ये अंडा कड़ी बनाया है, और बहुत ही खाने में लाजवाब लगता है। आप चाहे तो इसमें बटर डाल सकते हैं ऊपर से, या बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर हमें बताएं, और ये देखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर जरूर घंटी दबाएं ताकि हमारा नया नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलेगा। तो इसी तरह से आसान सी रेसिपी मैं आप तक लेके आती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।